TCF स्कूल के नाम से जिसकी ओपनिंग हुई थी, आज माशाल्लाह से उस पे काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। 300 गज जगह पे बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनेगी, बाकी ओपन एरियाज में प्ले ग्राउंड होंगे, बच्चों के खेलने की जगह होगी, कैंटीन बन रहा है यहाँ पे। नहीं, 2000 गज जगह है जिस पे स्कूल बनना है और जो जरूरत पड़ेगी, जितनी जितनी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी वो TCF वाले बनाते रहेंगे। कंप्लीट होगा यानी के हर चीज से कंप्लीट होगा, कलर्स, इसका जो एलिवेशन होगा, जो चीज होगा ना, 6 महीने के अंदर सारा चीज कंप्लीट करके हवाले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा आसवानी, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ नॉट टाउन रेजिडेंसी फेज़ वन में। फेज़ वन में मैं जिस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर एक हिल टॉप है जिसके ऊपर मैं एक पहले वीडियो बना चुका था, और ये वो जगह है जहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ कर देता हूँ कि हिल टॉप पे 3 प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, जो कि एक पार्क, बहुत ही आलिशान किस्म का पार्क, और दूसरा एक रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही शानदार किस्म का बनने जा रहा है, तीसरा एक स्कूल TCF के नाम से जिसकी ओपनिंग हुई थी। इरफान भाई साहब खुद तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अपने हाथ से इसकी ओपनिंग की थी। तो आज माशाल्लाह से उसका उस पर काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है, और उसकी बाउंड्री भी और तामीराती काम भी शुरू हो चुका है। मेरे साथ मौजूद होंगे यहाँ पर बासित खान साहब जो कि सर्वेयर हैं, अभी हम अंदर चल के आपसे उनकी मुलाकात भी करवाते हैं, प्रोजेक्ट के हवाले से उनसे बात भी करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसकी लोकेशन, अगर आप इस साइड से देखें तो ये वो रोड नज़र आएगा आपको जो कि 300 फीट चौड़ा रोड है जिसके ऊपर हमने कई वीडियोस बनाई हैं, और अगर आप इस साइड पे देखें तो आपको गोल्ड ब्लॉक नज़र आएगा। तो चलें अंदर चल कर इस प्रोजेक्ट TCF स्कूल के हवाले से बासित खान साहब से जो कि सर्वेयर है उनसे डिटेल लेते हैं। आ जाए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बासित भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाइए, खैरियत से? अच्छा बासित भाई, इसकी जब ओपनिंग हुई थी तो इरफान भाई साहब तशरीफ लाए थे, और उस वक्त तो एक पहाड़ी था बेशक, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है इसको काटा वाटा गया और अब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। थोड़ी सी डिटेल बताएं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। ये जब इरफान साहब ने पहले दिन आए थे, इसकी जब इसने ओपनिंग की थी तो उस टाइम ये पहाड़ी था, फिर वो पहाड़ी तरीबन हमने 1 महीने के अंदर काट दिया था, ठीक है, फिर ये TCF के फाउंडेशन के हवाले कर दिया था ये जगह, ठीक है, और उन्होंने फिर इस पर काम शुरू किया। तकरीबन 2000 गज पे स्कूल बन रहा है जो कि ग्राउंड प्लस टू जाएगा, ग्राउंड प्लस टू है, वक्त जरूरत फिर और भी जाएगा। इस टाइम जो उनका प्रोजेक्ट का प्रोग्राम है वो है ग्राउंड प्लस टू, ठीक है, और ये 2000 गज पे बन रहा है, और इसका अभी ग्राउंड प्लस सिर्फ वन का स्ट्रक्चर तैयार है, और इनके पास 6 महीने का टाइमिंग है, 6 महीने में इन्होंने ये कम्प्लीट करके हमें देना है। इसमें तकरीबन 2 महीने हो गए और मज़ीद 4 महीने के अंदर इन्होंने हमें प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके हवाले करना है। अच्छा, इसमें बताएं थोड़ा सा कि क्या किस तरह का बन रहा है, इसका डिज़ाइन किस टाइप का है? ये डिज़ाइन तकरीबन 2000 गज पे बना हुआ, इसमें से इस टाइम 300 गज जगह पे बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनेगी, बाकी ओपन एरियाज में प्ले ग्राउंड होंगे, बच्चों के खेलने की जगह होगी, कैंटीन बन रहा है यहाँ पे, और बाकी चीज़ें जरूरत है, कैंटीन बन रहे हैं। अच्छा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जितना भी है ये सब TCF स्कूल के और 2000 गज पे है। नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा? ये कंटिन्यू, ये प्ले ग्राउंड होगा उनका, प्ले ग्राउंड होगा फिलहाल जरूरत के वक्त, अगर ओपन एरिया हो गया अभी, अगर हमें जरूरत फॉर एग्जाम्पल पड़ता है, बच्चों की तादाद बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो फिर यहाँ भी बिल्डिंग बनेगी, मजीद चारों तरफ बिल्डिंग मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल में नीट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से फिर बिल्डिंग ही बनेगी। जैसे जैसे एडमिशन बढ़ता जाएगा, जैसे एडमिशन बढ़ता जाएगा, जैसे लोग तादाद बढ़ जाएगी, अभी जिस हिसाब से आबादी है यहाँ पे उस हिसाब से ये लोग बना रहे हैं। अच्छा, ये बताएं बासित भाई कि ये जो बिल्डिंग बन रही है जी, ये इतना ही इसका कितना कवर्ड एरिया है? ये 250 गज है, 250 गज है जो कि ग्राउंड प्लस टू जाएगा, ग्राउंड प्लस टू जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मजीद 250-250 गज के जो एक बिल्डिंग है उस तरफ आएगा, उस तरफ आई जो एरिया उन्होंने छोड़ा हुआ है, जगह नहीं, 2000 गज जगह है जिस पे स्कूल बनना है और जो जरूरत पड़ेगी, जितनी जितनी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी वो TCF वाले बनाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने रूम्स होंगे फिलहाल नीचे? ये रूम है तकरीबन, इसमें 6 रूम है नीचे, अच्छा 6 6 12 18 रूम्स होंगे ऊपर तक, 18 रूम। ये आप आने वाले 4 महीनों में इंशाल्लाह ताला 18 रूम ये तैयार हो जाएंगे। ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के साथ 6 महीने का हुआ, जिसमें 2 महीने का ये काम हो चुका है, ठीक है, और मजीद जो है ना 4 महीने टाइम उनके पास है, 6 महीने में उन्होंने प्रोजेक्ट कम्प्लीट
करके TCF के हवाले करना है, यानी कि स्कूल को इन्होंने ओपन करवाना है। ठीक ठीक, उसको उनके हवाले करना है इंतजामिया के। अच्छा, ये कंप्लीट होगा, यानी कि हर चीज़ से कंप्लीट होगा, कलर्स, इसका जो एलिवेशन होगा, जो चीज़ होगा ना, 6 महीने के अंदर सारा चीज़ कम्प्लीट करके हवाले करना है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइए कि बाहर जो है, ज़ाहिर है अभी तो वैसा है ना रास्ता, तो क्या इस प्रोजेक्ट ये बन जाएगा, तो ये तो इमारत तो बन जाएगी 6 महीने में, लेकिन जो आमोद्रफ वाला रास्ता है जो कि अभी नाहमवार है, वो हम क्लियर कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये इस 4 महीने से पहले पहले जो आने जिस रास्ते पे हम लोग आए हैं, इस पे काम चल रहा है, कभी पीछे आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो 4 महीने से पहले पहले इसको हम रास्ता वगैरह देंगे ताकि यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आ सके। मतलब वो रास्ता किस तरह होगा, कच्चा होगा या पेवर वगैरह लगाएंगे, प्रॉपर रास्ता देंगे, पेवर लगाएंगे ताकि बच्चे वगैरह गाड़ी वगैरह आराम से आ सके, और आराम से फैमिली जो यहाँ रह रही है उनके बच्चे आराम से आ सके, आराम से जा सके। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत नीट थी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज वन में स्कूल की, और ये लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, यहाँ से चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा एक माहौल नज़र आएगा, और जैसे मैंने आपको बताया इसी पहाड़ी के ऊपर आगे जाके एक रेस्टोरेंट और एक दत्त पार्क बनने वाला है इंशाल्लाह ताला। टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कुछ ही अरसे में ये चीज़ें भी जब बन जाएंगी तो आपको पता है कि ये कितना खूबसूरत सा माहौल बनेगा। और ये स्कूल जिसकी कंस्ट्रक्शन में देख रहा हूँ बहुत जल्दी काम हुआ है, हमने एक वीडियो अपनी यहाँ पर पहले भी बनाई थी जब इसकी ओपनिंग हुई थी, इरफान वाहिद साहब GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो CEO है इरफान वाहिद साहब, वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने अपने हाथ से यहाँ की ओपनिंग की थी, और अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त सा काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बासित साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, निज़ाबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रज़ा असवानी और बासित भाई को इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा